हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्बर्ट सोरेंग आर्ट्स। आप सबों को स्वागत है नया एक वीडियो में। दोस्त, आज मैं आप लोगों को कोहिमा का व्यू दिखाने वाला हूँ, जहाँ हॉर्नबिल का फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पे आप अभी तैयारी हो रहा है। तो दोस्त, यदि आप नया है मेरे चैनल में तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो देर ना करते हुए हम अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम नगा हेरिटेज विलेज में जाने वाले हैं। कोहिमा से 12 किलोमीटर आना पड़ता है इधर, तो यहीं पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। तो अभी हम इधर जाने वाला है, अभी प्रिपरेशन हो रहा है, तो हम जा करके आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल का जगह। ये देखो कितना अच्छा दृश्य, कितना सुंदर पेड़ फूल आप लोग देख पा रहे हैं। इसी जगह में गाड़ी पार्किंग करने के लिए देते हैं फेस्टिवल के टाइम पे। पहुंच चुके हैं हम हॉर्नबिल फेस्टिवल का जगह, आप लोग को दिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये आप लोग देख पा रहा है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का म्यूजियम है। ये हम बस को यहीं पे पार्किंग करने वाले हैं और यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं नागा जनजाति का कल्चरल हाउस और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल का जगह हम दिखाने वाले हैं। देखो नागा हेरिटेज विलेज आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। लोग देख पा रहे हैं हम लोग अभी नागा हेरिटेज विलेज में हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, यहीं पे नागा लोगों का फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो आप लोग देख पा रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए कैसे तैयारी किया जा रहा है। वो लोग लोकल लोग और अपना अपना ट्राइब्स का वो लोग आ कर के अपना अपना घर और ये जगह को बनाया जा रहा है। ये आप लोग देख पा रहा है, ये कछरी मुरंग का ट्रेडिशनल हाउस। देखो दोस्त, हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए कैसे प्रिपरेशन हो रहा है, हर कोई ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये पुराना वाला घर, तो इसको रिपेयरिंग करा जा रहा है, हर जगह में रिपेयरिंग हो रहा है। तो ये दिसंबर 1 से 3 तक होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आप लोग भी आने के लिए कोशिश कीजिए और देखिए ये फेस्टिवल कैसे होता है। ये देखो इधर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स का अपना अपना कल्चरल का जो घर बनाया हुआ है। इधर देखो चंपू बोल के है, ये चंपू ट्राइब्स का घर है। तो आप देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं 17 नगा लोगों का ट्राइब के द्वारा ये फेस्टिवल मना जाता है। हर ट्राइब का अलग अलग लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो देख पा रहे हैं, देखो कितना अच्छी तरह से ये लोग बंबू और लकड़ी और पत्थर ऐसे कर करके वो लोग अपना ट्रेडिशनल हाउस बनाते हैं। देखो बहुत अच्छा नज़ारा है, आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अब जिधर भी देखो अलग अलग ट्राइब्स का अलग अलग उन लोगों का घर है, आप देख सकते हैं। इधर भी है, आप देख पा रहे हैं शायद, ये भी कौन सा ट्राइब का है मालूम नहीं, हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। ये देखो, ये देखो, ये चंग ट्राइब का, ये क्या चीज़ बना रखा है, हम तो न्यू वर्ल्ड के बना रखा है। देखो अलग अलग ट्राइब का अलग अलग हम देख पा रहे हैं। देखो जिधर भी जाओ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो देखो पूरा धूप में स्टेयर के चढ़ चढ़ के मेरा हालात खराब हो गया, फिर भी जा ही रहा हूँ ऊपर में। देखो आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर में लिखा हुआ है नागा हेरिटेज विलेज, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ से, ये जूम करने से आपको दिखाई देगा। देखो बहुत अच्छा नज़ारा है। दोस्त मैं थक चुका हूँ,
हाँ, फिर भी दिखाने के लिए आपको कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये कोयना लोगों का कल्चरल हाउस है, आप देख पा रहा है, बहुत सुंदर है। दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, आप बने रहे मेरे वीडियो में। देखो इधर लिखा है कोयनाक मोरचुंग, तो ये लोग अलग अलग ट्राइब का बना अभी प्रिपरेशन करा जा रहा है। देखो, और ऐसे वो लोग बना बना कर रखा है, और इसको कलर वलर दे के इस बार भी इसको वो लोग करेगा। ठीक हरी मुरुंग बोल के दिया गया। और एक बात देखो, ये लोग बम्बू और पत्थर से और लकड़ी से घर बनाते हैं, और हर चीज़ नेचुरल तरीके से बनाते हैं। ये लोग देखो, ये पत्थर का है, हम देख सकते हैं, वो भी पत्थर का दिया हुआ है। और ये देखो, ये कचमन ग्यूंगा, इन लोगों का नाम भी थोड़ा अलग अलग से है, तो मैं अंदर से आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। केमंगजुन मुरंग, और इधर में देखो इन लोगों का ऐसे बड़ा बड़ा लकड़ी से कट करके ये कुछ सामान ऐसे बना करके रखते हैं। देखो आप लोग देख पा रहे हैं, शायद अच्छा लगता है। तो इस बार भी ये लोग इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं यहीं पे, वो लोग फेस्टिवल के टाइम में इसको यूज़ करेगा। और चलो आप लोग को दूसरा दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। इधर भी है, बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का नाम इतना कठिन है कि बोला ही नहीं जाता है। देखो बांस, लकड़ी और ये क्या बोला जाता है, खेड़, इन लोगों के द्वारा कितना अच्छा अच्छा ट्रेडिशनल हाउस बनाया जा रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। ये भी देखो, ये दूसरा ट्राइब का है, संगतम मोरुंग बोलकर। ये अच्छा से नाम बोला जा रहा है कि नहीं रहा है हमको पता नहीं, थोड़ा इन लोगों का नाम बहुत डिफिकल्ट है। देखो जिधर भी जाओ ये लोग पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिधर भी आप देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए पूरा प्रिपरेशन कर ही रहा है ये लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये भी दूसरा ट्राइब का है, मैं इधर आ गया, ये पुचारी मुरंग का। देखो इन लोगों का ट्राइब का नाम है, ये अलग ट्राइब का है। ये पुचारी मुरंग का, हाँ देखो इन लोगों का स्टाइल कैसा होता है, इन लोगों का घर का। देखो कितना अच्छा दृश्य, और उसके साथ साथ में देखो ये पक्षी, इसी को हॉर्नबिल कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं। देखो ये पूरा सूखा गाज जैसे लग रहा है, लेकिन ये पत्थर से बनाया हुआ है, पत्थर और सीमेंट से बनाया गया है। देखो अब देख, अच्छे से देखने से कितना पक्षी बैठ रहा जैसे लगेगा, लेकिन ये ओरिजिनल वाला पक्षी नहीं है, इसको बनाया गया है। अब देखो हम देख पा रहा है शायद। ये पेड़ ओरिजिनल नहीं है, देखो आप देख पा रहा है, ये ओरिजिनल पेड़ नहीं है। ऊपर में पंछी देखो कितना ज़्यादा है, ये सब पत्थर से बनाया हुआ है, पत्थर और सीमेंट से बनाया हुआ है देखो, लेकिन देखने से ओरिजिनल जैसा लगता है। अब और एक दूसरा ट्राइब का घर दिखाने वाला हो, उन लोगों का देखो ये पूरा पत्थर से बना के रखा है। देखो ये पूरा पत्थर, लकड़ी से नहीं बनाया। देखो ये, देखो ये घर है अंगामी लोगों का, अब देख पा रहा है ये अंगामी लोगों का, ये तो थोड़ा रेडी हो रहा है, इसको भी कलर वलर कर रहा है ये लोग। देखो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर भी इसे पूरा पत्थर का ही दे करके रखा है, देखो पत्थर से बना कर इतना अच्छा लगता है ना। देखो आप देख पा रहा है इधर अंगामी की,
मतलब ये अंगामी लोगों का, जो उन लोगों का ट्राइब के अंदर में अंगामी बोल करके एक नागा जनजाति है, उन लोगों का है। तो ऐसे से बहुत है, किधर दिखाऊँ आप लोगों को। तो बनी रहे दोस्त, आप लोग को दिखाने के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। ये देखो यहाँ पे अंगामी ट्राइब्स के बारे में लिखा गया है। तो चलो दूसरा ट्राइब का और दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। और देखो ये कुकी इनका है। और उधर देखो आप, जूम करने से आपको दिखाई देगा वो कच्छरी नोरडांग। तो ऊपर में देखो, ये जो ऊपर में देख रहा है नागा हेरिटेज विलेज बोल के दिया हुआ है, कितना अच्छा व्यू है इसका। आपको शायद ही आए होंगे। देखो यहाँ पे हॉर्नबिल का फेस्टिवल होता है। और जिधर भी जाओ आपको सब नेचुरल चीज़ दिखाई पड़ेगा। ये देखो इधर स्टैचू बना करके रखा है अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में, और सिंगा फूका जा रहा है, देख पा रहे हैं आप। इधर गेट बनाया हुआ है और इधर लिखा हुआ है विंडो टू नागालैंड बोलकर। तो बहुत अच्छा है ये भी, अब देखने से आपको भी अच्छा लगेगा। इधर भी देखो, ये देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का म्यूजियम है, लेकिन ये बंद है अभी, अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा है। तो इसमें जाने से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सा चीज़ यूज़ किया गया था वो देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये बंद है। देखो कैसे काम कर रहा है पूरा, ये लोग डेकोरेशन कर रहे हैं। दोस्त इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं, हम अभी घर के लिए निकल रहे हैं। तो वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।